स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का. चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. पहले इस चैप्टर का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. इंट्रोडक्शन है, फिर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. इसमें हम एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे, बीटी कॉटन की बात करेंगे हम. उसके बाद फिर हम इसमें आरएनए इंटरफेरेंस की बात करेंगे. और मेडिसिन में एप्लीकेशंस अगर देखें तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी. सो बायोटेक्नोलॉजी, एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं या ऐसे बायोलॉजिकल या ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन्स हम बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करके जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो. ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है. और इनको बनाया कैसे जाता है? ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके. सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल स्केल मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, वो वाली दवाइयां जो के ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है, की हेल्प से बनी है. एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स. और किस तरह से बनाते हैं इन्हें? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं. इनका जो जीनोम होता है, इनके जो क्रोमोसोम होता है, उसमें हम कुछ चेंज करते हैं. तो इस चीज को हम कहते हैं कि इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया. इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं. क्यों करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई? ताकि वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म कर सके. तो एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी की, वो क्या क्या इंक्लूड करती है? थेरेप्यूटिक्स. थेरेप्यूटिक्स मतलब वो वाली ड्रग्स या वो वाली मेडिसिन जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में हेल्प करती है. डायग्नोस्टिक में डिजीजेस को जब डायग्नोसिस करना होता है, तब ये भी एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की. तब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं. अगर जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स अगर हमें बनानी है एग्रीकल्चर के लिए, ये दूसरी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की. अलग अलग क्रॉप्स की भी हम बात करेंगे. प्रोसेस्ड फूड इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. बायो रिमेडिएशन क्या होता है? इट इज अ यूज ऑफ माइक्रोब्स टू क्लीन अप द कंटामिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर. तो बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है बायो रिमेडिएशन. इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो चुका है, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन है, सॉइल कंटामिनेट हो चुकी है, तो उसको माइक्रोब्स की हेल्प से उसको क्लीन किया जा सके. नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेस्ट ट्रीटमेंट एंड देन एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये 7 जो एप्लीकेशन है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है. 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या हैं? जब बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च की जाती है, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा कैटलिस्ट बनाना है जिससे हमें प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. ऐसा कैटलिस्ट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में जो कि माइक्रोब हो या प्योर एंजाइम हो, जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट बना सके. क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. फिर उसके बाद उस कैटलिस्ट को हमें ऑप्टिमल कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब लार्ज स्केल पे जब हम उसको प्रोडक्शन करते हैं, प्लस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्योरीफाई. जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको फिर हम प्योरीफाई करते हैं, जो हमारा प्रोटीन है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फिर उसकी हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है. सो लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ. तो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव. और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? कि अगर फूड प्रोडक्शन या फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, तब.
बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की। तो इसमें देखिए, अगर हमें क्रॉप हाई वैरायटी की अगर हमें क्रॉप चाहिए, क्रॉप की हाई यील्ड भी अगर हमें चाहिए प्लस वैरायटी भी अच्छी हो क्रॉप की, तो इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम एग्रीकल्चर जब करते हैं, जब फसल हम उगाते हैं तो उसमें हम केमिकल्स का यूज करें, ठीक है, केमिकल्स का हम यूज करें, लेकिन केमिकल्स नुकसान देते हैं, नुकसान करते हैं, तो टॉक्सिक होते हैं और प्लस ये फूड साइकिल में भी एंटर करते हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉवल जीन है, अगर कोई डिजायर्ड जीन है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहा है, उस जीन को अगर हम प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दें तो वो हमारा इस तरह से क्रॉप की यील्ड और वैरायटी भी इंप्रूव होगी, ठीक है। और इस तरह से जब क्रॉप हम ऐसी क्रॉप बनाते हैं जिसका जीन्स, जिसके जेनेटिक मेकअप को हमने मैनिपुलेट किया है, या जिसका जो उसका जो जीनोम है उसमें हमने कुछ चेंज किया है ताकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके, ऐसी क्रॉप को हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। सो अब इसे पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। सबसे पहला है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तीन ऑप्शंस क्या है, या तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और तीसरा ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, जब क्रॉप्स को की जो है पैदावार बढ़ी थी बहुत लार्ज स्केल पे, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उससे क्या हुआ था, फूड सप्लाई तो इंक्रीज हुई थी, ह्यूमन ग्रोइंग पॉपुलेशन को की डिमांड को मीट करने के लिए फूड की सप्लाई को इंक्रीज किया गया था, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं था। ओके, द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग, ट्रिपल टाइम्स हो गया था फूड की सप्लाई, लेकिन बट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन वो अब भी काफी नहीं था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के फूड को, फूड डिमांड को पूरा करने के लिए। इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। और यील्ड कैसे इंक्रीज की गई थी, अलग अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स को यूज करके, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, प्लस उसके साथ साथ अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स ली गई, प्लस उसके साथ साथ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज किए गए क्रॉप्स को अच्छी तरह से मैनेज करने वाली प्रैक्टिसेस, प्लस एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, इन सब का यूज करके जो है यील्ड को बढ़ाया गया, इंक्रीज्ड यील्ड, यील्ड को इंक्रीज किया गया क्रॉप वैरायटी, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी को यूज करके प्लस इन सारे मेथड्स को यूज करके। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीजेस इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अब देखो, अगर अगर केमिकल बेस्ड अगर एग्रीकल्चर करना है तो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, रोडेंटिसाइड्स हैं। तो इसके ये जो है केमिकल्स जो है ये महंगे आते हैं, जो कि फार्मर्स हर कोई फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो हाउएवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल्स जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस इंक्रीज इन यील्ड, यील्ड को इंक्रीज करना, पैदावार को, क्रॉप्स की पैदावार को इंक्रीज करना उन क्रॉप वैरायटीज से जो एग्जिस्टिंग क्रॉप वैरायटीज है, ये पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल ब्रीडिंग की तरह की वजह से, मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग को यूज करते हुए। मतलब आज की डेट में जो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज जो क्रॉप्स की अवेलेबल है उनसे हम क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक हद तक,
ठीक है, क्यों? और जो केमिकल्स है, केमिकल्स को भी हम एक हद तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इसकी जो कॉस्ट है वो हाई होती है और फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो इन दीज इज देर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स मे ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम दीज देयर फील्ड्स. तो ऐसा कोई ऑल्टरनेट तरीका है जिसकी जिससे फार्मर अपने फील्ड से, जो उनका एग्जिस्टिंग फील्ड है, उस फील्ड से, उतने ही एरिया से, उतने ही फील्ड से उस मैक्सिमम यील्ड, ज्यादा यील्ड मतलब ज्यादा पैदावार क्रॉप्स की हो सकती है. क्या कोई ऐसा तरीका है? सो इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर? तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है क्या जिससे कि फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो सके, केमिकल्स का यूज कम हो सके, ताकि उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, एनवायरनमेंट पे कोई असर ना डालें. अब ये तरीका, हाँ है एक तरीका. कौन सा तरीका है? वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन है. जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, इसको देखो, इसको और अच्छे से समझते हैं कि सपोज क्रॉप्स को हमने एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ गई है. ऐसे लेते हैं, ये एक प्लांट है, इसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बेटर प्लांट है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है. ठीक है, और हमें बाहर से कुछ और ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ही फुली यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम इसमें एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जो कि प्लांट को खाने वाले जो इंसेक्ट है उसको किल कर दे. तो ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर हमने ऐसा जीन अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो हमें फिर केमिकल डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो केमिकल का जो कॉस्ट है वो भी हमारी सेव हो रही है. तो ये पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, प्लांट को अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकें. और जेनेटिकली मॉडिफाई हम कैसे करते हैं प्लांट्स को? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. मतलब प्लांट के अंदर ही हम ऐसे जीन्स इंसर्ट कर दें ताकि उसका उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी भी इंक्रीज हो, ताकि उसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस भी आ जाए, ताकि उसके अंदर एनवायरनमेंट में जो एडवर्स कंडीशंस हैं, जैसे कि वेरी हाई टेम्परेचर है या लेस वाटर है, उसको भी वो झेल सके. तो ऐसे वाले जीन्स अगर हम प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे फर्टिलाइजर का खर्च कम हो जाएगा, केमिकल्स का यूज भी उससे कम हो जाएगा. प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स हूज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ऐसे प्लांट्स या बैक्टीरिया या प्लांट्स या एनिमल्स जिसका जो जिनके जीन्स को हमने ऑल्टर किया है, सपोज ये प्लांट है, प्लांट की एक सेल है, उस सेल में से हमने डीएनए निकाला, सपोज यहां से लेके यहां तक एक जीन प्रेजेंट है, उसको हमने चेंज कर दिया उसके स्ट्रक्चर को. लेट्स से हमने यहाँ पे एक सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, या एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा हमने एक न्यूक्लियोटाइड हमने वहां पे चेंज कर दिया. तो बेसिकली हमने किया क्या, एक्चुअली में उसका जो जीनोम है उसका हमने मॉडिफाई किया, हमने न्यूक्लियोटाइड को चेंज किया, मतलब हमने उसके उसका जो जीनोम है उसे मॉडिफाई किया. तो वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स, वो बैक्टीरिया, वो एनिमल्स जिसके जीनोम को हम मॉडिफाई करते हैं, जिसके जिसके जो क्रोमोसोम्स है उसको अगर हम चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, डीएनए के सीक्वेंस को अगर हम चेंज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और ये मॉडिफिकेशंस हम करते क्यों हैं? सबसे पहला इसका रीजन है कि ताकि जो क्रॉप्स हैं वो टॉलरेंट बन सकें एबायोटिक स्ट्रेस के लिए. मतलब एनवायरमेंट में की जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, मतलब जैसे टेम्परेचर है, सलाइनिटी है और वाटर की स्कार्सिटी है, उसको वो झेल पाए. ठीक है, तो एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए टॉलरेंट हो. फॉर एग्जांपल कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, सलाइनिटी एंड हीट. दूसरा पॉइंट के जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस रिलायंस मतलब डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ताकि केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम यूज हो पाए. तो इसलिए हम ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके
पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं, उनको हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि फसल को हमने काट लिया, काटने के बाद उसको हमने स्टोर कर किया, लेकिन स्टोर करने के दौरान भी उसमें उसको या तो वो गल जाती है, वो चीजें गल जाती हैं, जो ग्रेन्स है या जो भी प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, तो जो हार्वेस्ट करने के बाद प्लांट का जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसको हम लॉस से बचा सकें, इसलिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लावर सावर टोमेटो। फ्लावर सावर टोमेटो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये एक टोमेटो की ऐसी वैरायटी बनाई गई है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जिससे कि वो काफी दिन तक फ्रेश रह सके बिना गले। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लांट्स को क्यों जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ताकि वो एफिशिएंटली मिनरल्स को यूज कर सके, प्लांट्स के जो सॉइल के अंदर प्लांट्स के लिए अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और इससे क्या होगा कि इससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफी टाइम तक बनी रहेगी, और उसमें से मिनरल्स जो है वो जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जल्दी से खत्म नहीं होंगे, जब प्लांट मिनरल्स को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, अच्छे से यूसेज करेगा उसका। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, इनहेंसिंग फॉर इनहेंसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहेंस करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है एक राइस की ऐसी वैरायटी है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है, और ये वैरायटी विटामिन ए एनरिच्ड होती है। राइस के अंदर विटामिन ए वाला जीन इंसर्ट किया गया ताकि राइस के अंदर विटामिन ए भी आ सके। इन एडिशन टू दीज यूजेस जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा ये जो हम जीएम गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना प्लांट को। तो ऐसे प्लांट भी बनाए गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जिससे हम स्टार्च ले सके जो प्लस फ्यूल्स ले सके प्लस फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन ड्रग्स हम ले सके। आप थोड़ा सा गोल्डन राइस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। गोल्डन राइस ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस किया गया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा, जिससे कि वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर सके। और बीटा कैरोटीन क्या है, ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, विटामिन ए बनता है बीटा कैरोटीन से, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ फोर्टिफाइड फूड टू बी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन एरियाज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ डायटरी विटामिन ए। तो ये बेसिकली जैसे कि अफ्रीकन एरियाज है, वहां पे जहां पे विटामिन ए की कमी है, तो ऐसे एरियाज में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन ए की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया। और जो विटामिन ए वाला जो जीन है उसको राइस प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स व्हिच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। अब एक और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है कि प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना, मतलब उसके अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देना प्लांट के अंदर ही, ताकि प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट बन सके किसके लिए, पेस्ट के लिए, मतलब कोई लत से कोई कीड़ा है, कोई नेमेटोड का ही हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। कोई नेमेटोड है, कोई कीड़ा है, वो कीड़ा इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है और किल कर देता है, उसकी यील्ड को भी डिक्रीज कर देता है। तो प्लांट के अंदर हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करें ताकि वो नेमेटोड को ही किल कर दे, इससे क्या होगा, इससे हमें पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब यहां पे हम जिक्र हो रहा है बीटी टॉक्सिन का।
बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन एक तरह का केमिकल है जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीटी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं हम। बेसिकली ये जो बीटी टॉक्सिन है जो कि हम बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं, इस वाले बैक्टीरिया से हम निकाल रहे हैं, तो ये बीटी टॉक्सिन जो है इन पेस्ट के लिए हार्मफुल होता है, इन पेस्ट को ये किल कर देता है। तो अगर हम इस बीटी टॉक्सिन को प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दें, बीटी टॉक्सिन बनाने वाले जीन को अगर हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, तो फिर नेमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही बेसिस है बीटी क्रॉप्स बनाने का। जो बीटी क्रॉप्स बनती है, बैसिलस थुरिंजियंसिस शॉर्ट फॉर्म है इसकी, बीटी क्रॉप्स जो बनती है उसमें यही किया जाता है कि प्लांट के अंदर ऐसा जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो जीन टॉक्सिन बनाएगा और वो टॉक्सिन नेमेटोड्स की ग्रोथ को रोक देगा। सो बीटी नेमेटोड या फिर उसके अलावा और भी अगर कोई इंसेक्ट है, जैसे कि हम बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे, तो बीटी कॉटन को इन्फेक्ट करते हैं कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवर्म उसको इन्फेक्ट करता है, कॉटन बॉलवर्म एक तरह का कीड़ा होता है, कॉटन बॉलवर्म उसको इन्फेक्ट करता है, तो कॉटन बॉलवर्म को वो सर्वाइव नहीं करने देता इसके अंदर जो टॉक्सिन हमने इंट्रोड्यूस किया है। सो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाला गया है बीटी टॉक्सिन वाला जीन, उसको क्लोन किया गया है, फिर उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों? ताकि प्लांट रेजिस्टेंस हो सके इंसेक्ट्स के लिए और हमें इंसेक्टिसाइड की जरूरत ना पड़े। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, और इस तरह से हमने क्या बना दिया, इस तरह से हमने ये बायोपेस्टिसाइड बना दिया, मतलब किसी केमिकल के यूज के बिना हमने बायोलॉजिकल चीजों से ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमने पेस्टिसाइड बनाया है। इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में हमने बीटी वाला जीन इंट्रोड्यूस किया है, बीटी कॉर्न में भी इंट्रोड्यूस किया है, राइस टोमेटो पोटैटो सोयाबीन इन प्लांट्स में भी हमने बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया है। मतलब ये बीटी जीन टॉक्सिन बनाएगा और वो इंसेक्ट्स को किल कर देगा, बीटी कॉटन। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं बीटी कॉटन के बारे में। पहले मैं इसका डायग्राम आपको शो करती हूँ। दिस अब देखिए, कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म्स, अ फुली मेच्योर कॉटन बॉल। अब देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें देखिए कि ये जो कॉटन की जो ये बॉल होती है, कॉटन का जो प्लांट होता है ना, उसमें इस तरह की पहले एक बॉल आती है और फिर वो साइज में इंक्रीज होती है, फिर वो ओपन होती है, ओपन होकर उसमें से कॉटन निकलती है। तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं ये डिस्ट्रॉय, इसको बॉलवर्म्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। कीड़ा होता है बॉलवर्म कहते हैं जिसको, वो इसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। और दूसरा वाला जो है, ये जो सेकेंड बी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये फुली मच्योर कॉटन बॉल है, फुली मच्योर कॉटन बॉल है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बॉलवर्म से ये जो इन्फेक्टेड नहीं है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसकी मैं रियल इमेज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कॉटन बॉलबम, ये फर्स्ट वाला जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज कॉटन बॉलबम। इसमें देखिए ये कीड़ा है और जो कॉटन की जो बॉल होती है उसको ये इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अंदर ये एंटर कर रहा है। सो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजियंसिस, बैसिलस थुरिंजियंसिस क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे प्रोटीन जो कि इन इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट्स को? लेपिडोप्टेरन्स को, जो कि जिसका एग्जाम्पल है टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन्स को किल कर देती है, जैसे एग्जाम्पल बीटल्स, डिप्टेरन्स को वो किल कर देती है, एग्जाम्पल फ्लाइज एंड मॉस्किटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्ट कि बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है वो उससे जो प्रोटीन बनता है वो किस किस इंसेक्ट को किल कर देता है, तो आपको बिल्कुल टिप्स पर रटा हुआ होना चाहिए, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स। अब बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है वो प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है अपनी लाइफ में, एक ऐसा क्रिस्टल फॉर्म करता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है अपनी लाइफ में एक ऐसा क्रिस्टल फॉर्म करता है
जो कि जिसमें एक टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। इस क्रिस्टल के अंदर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल कर रहा है? दरअसल वो इसलिए नहीं किल कर रहा है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर। और वो एक्टिव कब होगा? वो एक्टिव जब होगा जब उसको कोई इंसेक्ट खाएगा, जब उसको कोई इंसेक्ट खाएगा तभी वो एक्टिव होगा और तभी इंसेक्ट की डेथ होगी। सो बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है वो प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है अपनी लाइफ के किसी पर्टिकुलर फेज में, ग्रोथ फेज में, जिससे कि टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो टॉक्सिन जो बना है बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया को क्यों किल नहीं करता है? आंसर मैंने बता ही दिया है, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। सो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उसको खाता है तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। क्यों एक्टिव कब हो जाता है? क्योंकि जो गट है, जो इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है जिससे कि वो सोल्यूबलाइज कर देता है क्रिस्टल्स को। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया। तो हम बात कर रहे थे कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमने इसकी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है, रुको मैं ब्लैंक शीट पे बताती हूँ। ये एक बैक्टीरिया की सेल है और इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक ऐसा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। ये क्रिस्टल जो है ये प्रोटीन फॉर्म करेगा जिसको हम बीटी प्रोटीन कहेंगे, बीटी टॉक्सिन कहेंगे। और ये टॉक्सिन जो है ये इंसेक्ट्स को, अगर इंसेक्ट इसको खा ले तो वो किल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बीटी टॉक्सिन जो इसके अंदर ये प्रेजेंट है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या इसको हम कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। लेकिन इंसेक्ट अगर इसको खाएगा, लेट से ये एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट अगर इस टॉक्सिन को खाएगा, लेट से ये टॉक्सिन है, तो ये टॉक्सिन इसकी बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो इसकी गट के अंदर जाएगा वहां पे उसको पीएच जो है वो एल्कलाइन मिलेगा, तो ये जो क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल्स जो है वो डिसॉल्व होंगे और उसके अंदर से जो प्रोटीन, जो प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट है, वो प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन इस जो जिसने खाया है, जिस इंसेक्ट ने इसको खाया है, उसको ये किल कर देगा। तो इसीलिए लिखा है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट। मिडगट जो है उससे ये बाइंड हो जाएगा, मिडगट की जो एपिथेलियल सेल्स है उससे ये बाइंड हो जाएगा टॉक्सिन और उसमें पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। मतलब जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जो स्टमक है, स्टमक में ये होल्स बना देगा एंड कॉज द सेल स्वेलिंग। सेल्स जो है उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी, सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और सेल्स की डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन वर आइसोलेटेड। बीटी टॉक्सिन को कहां से आइसोलेट किया गया? बैसिलस थुरिंजियंसिस को, और इस वाले जीन को, जो जीन, जिस जीन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर बीटी टॉक्सिन बनता है, उस जीन को आइसोलेट किया गया और उसको कहां डाला गया? क्रॉप के अंदर। मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर से निकाला था ना हमने, बीटी के अंदर प्रेजेंट होता है ना ये बीटी टॉक्सिन वाला जो प्रोटीन है, अब हमने क्या किया, इसमें से वो जीन ही हमने निकाल लिया, जिस जीन से ये प्रोटीन बन रहा था उस जीन को ही हमने यहां से आइसोलेट कर लिया। और इसे आइसोलेट करने के बाद इसको हमने डायरेक्ट प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब प्लांट के अंदर बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन होगा और अगर इसको कोई इंसेक्ट अगर इसको खाएगा तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इस बीटी टॉक्सिन वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया गया कॉटन के अंदर। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है और प्लस पेस्ट कौन सा है, कि किस पेस्ट के अगेंस्ट हमें
ऐसा प्लांट को मॉडिफाई करना है. एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे जो टॉक्सिन्स है, हो सकता है इस बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन निकल रहा हो वो इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, कॉटन के लिए स्पेसिफिक हो, एक दूसरा बैक्टीरिया हो उससे जो टॉक्सिन निकल रहा हो वो दूसरे प्लांट के लिए, लेट्स से सोयाबीन के लिए प्लांट के लिए वो स्पेसिफिक हो. तो अलग अलग टॉक्सिन्स अलग अलग प्लांट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के, प्लस अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं कि कौन से इंसेक्ट को वो उसको किल करना है. तो इसीलिए जब भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है प्लांट्स को, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा जीन लिया जा रहा है और वो कौन से इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक है, वो कौन से इंसेक्ट को वो किल करेगा. टॉक्सिन्स को बनाने वाले जो जीन है, अब जीन का नाम देख लेते हैं. जीन का नाम है क्राइजीन, क्राइवन ए सी, क्राइवन ए जो जीन है वो ही बीटी टॉक्सिन को बनाता है. देर आर अ नंबर ऑफ देम, बहुत सारे होते हैं ये क्राइजीन. जो प्रोटीन, द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन, अब क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी, ये दोनों जो जीन होते हैं वो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिससे कि कॉटन बॉलवर्म को किल किया जा सके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी ये किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं. ये बेसिकली कॉटन जो बॉलवर्म है उसको उसको उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं, उसको वो किल कर देते हैं. प्लस दूसरा एग्जांपल है क्राई वन ए बी. क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को. ठीक है, क्राई वन ए बी एक ऐसा जीन है जिससे बनने वाला प्रोटीन कॉर्न बोरर नाम के इंसेक्ट को किल कर देता है. उसी तरह से क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी ऐसे दो जीन्स हैं जिससे बनने वाला जो प्रोटीन है वो कॉटन बॉलवर्म को किल कर देता है. डायग्राम में मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको. ये देखिए कॉटन बॉलवर्म है फर्स्ट वाले डायग्राम में, और सेकंड है कॉर्न बोरर. ये देखिए छोटा सा ये कीड़ा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीड़ा जो है ये कॉर्न को, ये कॉर्न का प्लांट है, इसको हम कॉर्न बोरर कहते हैं इस कीड़े को, और ये कॉर्न बोरर जो है ये जो कॉर्न का प्लांट है उसको ये नष्ट कर देता है, उसको ये इन्फेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है. तो इसके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको इन दोनों जीन्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए. क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी जो कॉटन बॉलवर्म के लिए काम करते हैं, और क्राई वन ए बी जो कि कॉर्न बोरर को किल करता है. सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो. जब नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस. थैंक यू.